नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2020 का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये नोटिफिकेशन अभी DMRC के साइट पे नहीं आया है, लेकिन जल्द ही यानी कि 14 दिसंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन DMRC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि DMRC ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है रिक्रूटमेंट 2020 के लिए। दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 14 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं उसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 13 जनवरी 2020। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 13 जनवरी 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रात लगभग 12 बजे तक ये चलता रहेगा। और जो एग्ज़ाम का कब ये CBT एग्ज़ाम होगा DMRC का, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कितने सीट्स आए हैं DMRC में इस साल 2020 के रिक्रूटमेंट में। अब अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे जो IDA पे स्केल इसका है 50,000 से 1,60,000 इसका पे स्केल है। और SC के लिए दोस्तों 2 सीट्स हैं, और टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 16 सीट्स हैं। अनरिजर्व के लिए 7 सीट्स है। अगर असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो दोस्तों सेम यहां पे आप देख सकते हैं कि IDA पे स्केल सेम 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक है। और यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 9 है, और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कैटेगरी वाइज उन वैकेंसीज को कैसे कैटेगराइज किया गया। अब दोस्तों, अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर के मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं मिनिमम ऑफ 60% मार्क इक्विवेलेंट, और CGPA BTEC में आपका 60% मार्क होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और अगर बात करें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट टू CGPA इन BE BTEC इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच अप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए ये पोस्ट है। अब अगर बात करें यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सिविल की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल 12 वैकेंसीज हैं, और इनको जो कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। और आखिर असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशनल के लिए भी यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसीज है, जिसके लिए जो डिटेल में इसका जब 200 DMRC के साइट पे आएगा तो आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को आगे भी देख सकते हैं। अब अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए भी 3 सीटें हैं, असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक के लिए भी 1 सीट्स हैं, और असिस्टेंट मैनेजर स्टोर के लिए 4 सीटें हैं, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए 3 सीटें हैं, और असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए भी 3 सीटें हैं। अब दोस्तों, ये सारे सीटों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो टोटल सीट थी, टोटल 60 सीट्स, ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए थी। जी हाँ दोस्तों, अब अगर बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 26 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीट SC के लिए, 2 ST के लिए, OBC के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो और EWS के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 11 सीटें हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आगे इसके लिए दोस्तों, आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। और अगर बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दोस्तों इसका जो पे स्केल है 37,000 से लेके 1,15,000 तक इसका पे स्केल है, और टोटल 66 सीटें यहाँ पे हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 27 सीटें हैं, और EWS के लिए 6 सीटें हैं, OBC के लिए 9, ST के लिए 13, और SC के लिए 11 सीटें हैं। इसके लिए जो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आप देख सकते हैं, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोप्रोसेसर, ये सब आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो यहाँ पे भी दोस्तों टोटल 59 सीटें हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। और बात करें अगर जूनियर इंजीनियर इन्वायरमेंटल के लिए, तो यहाँ पे टोटल 8 सीटें हैं, जूनियर इंजीनियर स्टोर के लिए 5 सीटें हैं, और फायर इंस्पेक्टर के लिए 7 सीटें हैं। तो दोस्तों ये जो पूरे सीट्स हैं ये आपको यहाँ पे आपके सामने क्लियरली दिख रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पे DMRC से रिलेटेड सारे क्लासेस और जो क्वेश्चन सीरीज है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हैं तो आपको सारे मटेरियल्स मेरे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं।
आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे का रेड बटन दबा के, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी क्लास या कोई भी क्वेश्चन सीरीज डीएमआरसी से रिलेटेड मैं डालूं तो आपको उसको मिलता रहे आपको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सीरीज डीएमआरसी के लिए अपने चैनल पे चला रखे हैं। आप ऊपर का आई बटन दबा के या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हैं। दोस्तों वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डीएमआरसी एनएमआरसी जितने भी मेट्रो और जेई लेवल के एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन सीरीज है। अब दोस्तों अगर बात करें ये इसमें कुछ रेगुलर पोस्ट भी हैं और कुछ नॉन रेगुलर पोस्ट है। टोटल अगर बात करें हम नॉन एग्जीक्यूटिव रेगुलर पोस्ट की, टोटल 929 सीट्स हैं। यहाँ पे आप क्लियरली हर एक पोस्ट का कैटेगराइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए भी है, बीए बीएससी सबके लिए है। तो ये दोस्तों टोटल सीट्स आप यहाँ पे क्लियरली बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कुछ पोस्ट को रिलीज किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, ये भी नोटिफिकेशन में आप क्लियरली नीचे से बेल आइकन नीचे से आप डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ डीएमआरसी से रिलेटेड।